हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम अपने कुछ यूट्यूब के इंपॉर्टेंट कमेंट्स को देखेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज जो कि एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो चलिए पहला कमेंट लेते हैं। सर प्लीज़ गिव इन्फॉर्मेटरी वीडियो ऑन ट्रॉमा सर्जन एज अ करियर एंड जर्नी टू बिकम वन। तो देखिए, ट्रॉमा सर्जन बेसिकली जो होते हैं, ट्रॉमा सर्जन दो टाइप के मैं मानता हूँ कि एक तो होते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। ओके, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं, इसके लिए तो बनने के लिए आपको पहले MBBS करनी पड़ेगी। MBBS करने के बाद आपको फिर करनी पड़ेगी MS ऑर्थोपेडिक्स। तो जब आप MS ऑर्थोपेडिक्स कर लोगे, उसके बाद आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाते हो, जो एक ट्रॉमा सर्जन भी होता है। दूसरा, आप ट्रॉमा में केवल बोन्स का ट्रॉमा ही नहीं होता, आपका सॉफ्ट टिश्यू का ट्रॉमा होता है, आपका एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है, तो उसमें फिर आपके MS जनरल सर्जन भी आ जाते हैं। उसके बाद ट्रॉमा में आपको जब ब्रेन की इंजरी होती है, तो जो MCH न्यूरो सर्जरी वाले सर्जन हैं, उनका भी काम होता है। तो कुल मिला के अगर ट्रॉमा सर्जन बनना है तो आपको सर्जिकल ब्रांच लेनी होती है, जिसमें जैसे कि अगर आप MS करना चाहते हैं जनरल सर्जरी में, तो उसके बाद उसमें भी सेम है कि पहले MBBS कीजिए, MBBS करने के बाद फिर 3 साल का MS कीजिए। अगर आप न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं तो उसमें आपको MS करने के बाद 3 साल और MCH करनी पड़ेगी, तब आप बनेंगे न्यूरो सर्जन। तो और जहाँ तक कि करियर का सवाल है, तो करियर तो कि ट्रॉमा सर्जन का, जब आप एक ट्रॉमा सर्जन बन जाते हो तो करियर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रॉमा के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है काम की। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ MBBS डॉक्टर जॉब करते हुए अपना चैम्बर खोल सकते हैं क्या? देखिए, ये ना चीज़ जो होती है, अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में काम करते हैं तो वो जो है वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। अब कुछ स्टेट्स में ऐसा रूल होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हुए अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट चैम्बर नहीं खोल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे बिहार की बात लेते हैं, तो बिहार जो गवर्नमेंट है उसमें वो लोग अलाउ करते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट में आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कि दिल्ली हो गया और इवन UP हो गया, वहाँ भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो या अपना चैम्बर नहीं खोल सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ स्टेट्स में लोग इलीगल तरीके से अपना चैम्बर और क्या बोलते हैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट उन्हें अलाउ नहीं होता है। तो ये आपको हर स्टेट का अलग अलग पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ है और कहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, सर किसी भी एम्स में अगर JRship करनी है तो एग्ज़ाम देना होगा? हाँ, अगर एम्स में आपको JRship करनी, तो ज़्यादातर जो एम्स होते हैं वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होता है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। और अक्सर जो वो एम्स का एग्ज़ाम होता है, वो जो उनका जो PG एग्ज़ाम होता है, उसी एग्ज़ाम की जो रैंक आती है उसी से, मतलब जो PG एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे जो रैंक बनती है, उसी के आधार पर आपको JRship दी जाती है। मैंने भी उसी तरीके से ली थी। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड टू अवेयर अस। डॉक्टर साहब, मान लो मैंने नेक्स्ट क्लियर कर ली, मुझे MBBS का लाइसेंस भी मिल गया, फिर मैं अदर स्टेट में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहूँ तो मिल सकती है क्या? मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, अब जॉब हासिल करना बहुत हार्ड हो गया है, अब नेक्स्ट आ गया है, सबका नुकसान है, इन फ्यूचर मुंबई में सेटल होना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए, इनका बोलना है कि ये एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, मतलब कि इन्होंने बाहर से MBBS किया, इंडिया के बाहर से, और इनका बोलना है कि सपोज़ करो इन्होंने नेक्स्ट जब एग्ज़ाम आएगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, इन्हें लाइसेंस भी मिल गया, तो इनका बोलना है कि अदर स्टेट में जॉब मिल सकती है कि नहीं, सरकारी जॉब। भाई डेफिनेटली हर स्टेट में जो स्टेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसके अंतर्गत जॉब्स निकलती हैं मेडिकल ऑफिसर की, और उस जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए, आप अच्छे से स्टडी कीजिए और आपको मिल जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मेरे जितने फ्रेंड हैं जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उन सबको ये जॉब मिली है। मैं इस बात पे नहीं जाता कि आप, पता नहीं अब कहाँ से लोगों को पता लगता है कि जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेडिकल साइंस में एक प्रॉब्लम है कि आपको मनचाहा जो प्लेस है ना, वो शायद ना मिले, बट जॉब मुझे नहीं लगता कि जॉब MBBS डॉक्टर की जॉब आपको नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है अभी। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आज तक मैं किसी ऐसे MBBS स्टूडेंट से नहीं मिला जिसने MBBS कर ली हो और जिसके पास जॉब ना हो। हाँ, ये होता है कि कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, सर मुझे दिल्ली में ही जॉब चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, वो मैं मान सकता हूँ, बट कोई ऐसा नहीं मिला कि सर मेरे पास जॉब ही नहीं है, जॉबलेस हूँ मैं, ऐसा मैं आज तक एक भी स्टूडेंट से नहीं मिला। और ये बोल रहे हैं कि इन्हें बॉम्बे में सेटल करना है, मुंबई में। देखिए, मुंबई हो या दिल्ली हो या कोलकाता हो या बेंगलोर हो, ये जो बड़ी सिटीज़ जो होती है ना, यहाँ एज अ MBBS डॉक्टर सर्वाइव करना थोड़ा मुझे टफ लगता है। या तो आप इन शहर की जो पेरीफेरल एरिया हैं उनमें जाइए,
जैसे जहाँ पे कि उतने रिच लोग नहीं रहते, बट जो वाकई जो ये जो शहर का जो मेन एरिया होता है, मुंबई हो गया, दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे आजकल ये कम से कम MD MS डॉक्टर तो होता ही है। इवन लोग खुद ही देखते हैं, लोग खुद ही केवल MBBS डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे। ये है, ये जो बड़ी सिटीज़ है इनका ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप छोटी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर आप बम्बई में सेटल करने की सोचें तो फिर तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही चाहिए। भैया एक क्वेश्चन था कि कोई एम्स से MBBS पास आउट करते हैं और कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो क्या एज ए MBBS डॉक्टर स्टेट अथॉरिटी के जो जॉब वैकेंसी निकलते हैं उसमें कोई पार्शियलिटी होती है क्या? देखिए, मोटा मोटा इनका क्वेश्चन ये है कि सपोज करो किसी ने एम्स से MBBS किया और किसी ने किसी स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ से किया, तो इनका बोलना है कि जो स्टेट की जो मेडिकल जो वैकेंसीज निकलेंगी, जो MO की जो पोस्ट होंगी, उसके लिए कोई कोई पार्शलिटी होती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी पार्शलिटी होती है। मेरे हिसाब से तो बस आप पढ़ाई कीजिए, और जब आप इंटरव्यू देंगे या अगर आपका वहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होता है, आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। तो इसमें कोई इतना सोचने वाली बात है नहीं कि किसको प्रायोरिटी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। सबके सब MBBS पास आउट हैं। जो अच्छा एग्ज़ाम करेगा, अच्छा इंटरव्यू करेगा, उसको तो उसी को प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं होगा किसी ने केम से किया है, किसी ने किसी और कॉलेज से किया तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। सर, परमिटेड सीट कौन कौन से कॉलेज में है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, ये तो आपको थोड़ा खुद से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी उतना ज़्यादा नहीं पता। बट मैं बताता हूँ कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है, NMC की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर कॉलम होता है कोर्स एंड कॉलेजेस, तो कोर्स एंड कॉलेजेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे MBBS या जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आप देखना चाहते हो उसको टिक कर दीजिएगा, और हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके सारे कॉलेजेस आपके सामने खुल के आ जाएंगे, और उन कॉलेज में सीट्स लिखी होती हैं कि कितनी परमिटेड हैं और कितनी उसमें रिकग्नाइज हैं। जैसे कि जब मैंने 2016 की बात है, जब मैंने टांडा में जो मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पर मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स उठाई थी फर्स्ट काउंसलिंग में, तो वहाँ पर जो जो सीट मुझे मिली थी वो परमिटेड सीट थी। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड काउंसलिंग में मैंने पटना उठाया, तो पटना में जो मुझे सीट मिली थी NMCH में, वो रिकॉग्नाइज सीट थी। सर, प्लीज़ बताइए BDS ले लेना चाहिए या नहीं? मेरे 584 मार्क्स हैं, 4 ईयर का ड्रॉप है। सर बताइए कि BDS बेटर रहेगा या नहीं? देखिए, 4 साल का ड्रॉप जो है थोड़ा ज़्यादा तो हो ही जाता है, तो अगर आपको लगता है कि अब आपका इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो BDS लेने में कोई बुराई नहीं है। BDS में आपको शायद इस रैंक पे अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चाहे BDS हो चाहे MBBS हो, आप जहाँ भी जाओ ना, अच्छे से मेहनत करो, काम अच्छे से सीखो। अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आप लाइफ में आगे ही जाओगे। और मैं कितने सारे मैं BDS डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है, उनका सेटिस्फेक्शन भी अच्छा है, बट अच्छे वही हैं जिनको काम आता है। सर, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं ना, उसके लिए प्रोसेस क्या होती है? देखिए, ये तो सभी को पता है कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनते ही हैं, और इसके तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना के डाल रखे हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको पता लग जाएगा। मेडिकल कॉलेज का सीक्वेंस सेम है, सबसे पहले वहाँ पर SR-ship करते हो, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, और बाद में उसके बाद प्रोफेसर बनते हो। तो यही सीक्वेंस है, हर 4-4-5 साल के अंतराल पर आपका प्रमोशन होता है और आप प्रोफेसर बन जाते हो। डॉक्टर कुंतल बिट्टल MS की MS बोलते हैं मैक्सिमम जॉबलेस। अच्छा, ये कमेंट किसी का आया था कि कोई YouTube पे इन्होंने बोला कोई डॉक्टर कुंतल नाम के कोई डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि जितने भी MBBS हैं वो सारे के सारे जॉबलेस हैं। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि वो डेटा कहाँ से लेके आए, क्योंकि अगर ऐसे होता क्या, आप कॉमन सेंस लगाइए। मेरा बोलने एक बात है कि जिस दिन वो सिचुएशन आ जाएगी ना कि MBBS की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, MBBS वाले जॉबलेस हो जाएंगे, उस दिन होगा क्या, उस दिन जो मेडिकल कॉलेज में जो MBBS की सीट्स हैं ना, वो खाली रहना शुरू हो जाएंगी। मतलब काफ़ी सारी सीट ऐसी हो जाएंगी जिनको कोई लोग उठाएंगे ही नहीं, वो वैकेंट रह जाएंगी। हमेशा होता है, जब भी कोई कोर्स ऐसा हो जाता है ना कि जिसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो लोग फिर उसको पसंद नहीं करते हैं, फिर उसकी सारी की सारी सीट्स कभी भी फुल नहीं होती हैं। और जब तक किसी कोर्स की डिमांड होती है ना, उसकी एक भी सीट खाली नहीं जाती है। तो और मैं आपको ये शर्त लगा के बोल रहा हूँ, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, आपको मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कोई भी MBBS की सीट खाली छूटती होगी। ये बात अलग है कि आप कितना भी सोचते रहो कि जॉब है या नहीं है, जॉबलेस हैं ये हैं, बट MBBS की सीट्स मुझे नहीं लगता कहीं भी खाली है। उल्टा ही होता है, मुझे तो ये मैसेज आते हैं कि सर मुझे MBBS नहीं मिल रही, इस बार भी नहीं मिल पाई, ऐसा ही होता है। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि सर उस कॉलेज में सीट्स खाली रह गई, इस कॉलेज में सीट्स खाली रह गई। अगर यही होता, सीट्स खाली रह जाएंगी, तो फिर तो कोई बच्चा ये बोलता ही नहीं कि मुझे MBBS मिल ही नहीं रही है, इस बार मेरे को फिर नहीं मिल पाई।
तो कभी कभी ना इंसान को अपना ब्रेन भी यूज़ करना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और दिक्कत क्या होती है कि लोगों में कॉमन सेंस की ना बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसमें कुछ दो राय ही नहीं है यार। अगर कभी भी MBBS की डिमांड कम हो जाएगी मेडिकल साइंस की, तो ऑब्वियसली MBBS कॉलेजेस में सीट खाली रहना शुरू हो जाएंगी। आप पता कर लो किस कॉलेज में सीट खाली है, और फिर एक ही डॉक्टर नहीं बोलेगा ये बात, पूरी मेडिकल फैटर्निटी ये बात बोलने लग जाएगी। आपको बहुत सारे डॉक्टर मिलने लग जाएंगे जो बोलेंगे नहीं MBBS खराब है, खराब है, खराब है, बहुत ही खराब है, मत लो। तो पर मुझे लगता नहीं कि ऐसी सिचुएशन अभी है। प्राइवेट कॉलेज नंबर वन है हिंद बाराबंकी कॉलेज, सेकेंड पे है हिंद सीतापुर कॉलेज, तीसरा मुजफ्फरनगर कॉलेज, चौथा केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, और पांचवा है मायो कॉलेज। तो इनका बोलना है कि इनमें बेस्ट कौन सा है, एजुकेशन लोन EMI पे करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, इनमें आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, सबसे पहली तो MCI रिकग्नाइज कौन है, मतलब कि अब है नेशनल मेडिकल काउंसिल, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पर जाइए और वहाँ से इस कॉलेज का डेटा निकाले कि ये रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, इसके MBBS के सीट्स रिकग्नाइज्ड हैं कि नहीं है, और ये कॉलेज कितना पुराना है। ठीक है, ये कॉलेज जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने चाह रहे हो तब वो कितना पुराना है। तो अगर जनरली जो पुराना मेडिकल कॉलेज होता है उसके जो सीट होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड ही होते हैं, तो आप ये NMC की वेबसाइट से मालूम कर लीजिए, वरना आप NMC का शायद द्वारका में सेक्टर 9 के अंदर ऑफिस है, वहाँ भी जाके ये बात पर्सनली जाके पता कर सकते हैं कि कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या कि नहीं है। तो दो फैक्टर हमेशा ध्यान रखने चाहिए, एक तो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, उसकी सीट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, और दूसरा क्या है, वो पुराना कॉलेज जितना पुराना होगा उतना बेटर रहेगा। ओके, तो ये दो आप चीज़ देखिए। और जहाँ तक EMI की बात है, तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप जब भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ना, अगर आप MBBS उठा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा ही लोन उठा लो, एकदम परेशान होके वो सारा दिमाग आपका लोन चुकाने में लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं थोड़ा पैसा खर्च करने में तब ठीक है, अदरवाइज़ केवल लोन के ऊपर केवल ये सब कर लेना कि बहुत ज़्यादा लोन ले लोगे, आपकी पारिवारिक जो स्थिति है वो ख़राब हो जाए, वैसा नहीं करना चाहिए। जितना लोन आप कंफर्टेबली ले सकते हो उतना ही लेना चाहिए। और जहाँ तक EMI की बात है, तो वो तो JRship करके आप चुका सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगती है, बाकी किसी और की राय लगे वो मैं कह नहीं सकता। हेलो सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई वांट टू नो दैट इफ़ आई गेट एनी कॉलेज फ्रॉम गुजरात देन इज़ इट गुड फॉर मी, आई मीन लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है, आई कैन स्पीक हिंदी बट नॉट गुजराती। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है, मैंने खुद आसाम से की है MBBS, और आसाम में आसाम में MBBS करने गया था, मुझे बस हिंदी आती थी, मुझे तो इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती थी, इंग्लिश भी मैंने वहीं पे जाके सीखी मेडिकल में, तो केवल एक ही लैंग्वेज में जानता था, तब भी मैंने वहाँ से कर ली। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो हिंदी, प्योर हिंदी बोलने वाले होते हैं, इंग्लिश का नाम और निशान भी नहीं जानते, तब भी वो लोग तमिलनाडु से MBBS करके आते हैं, तमिलनाडु जहाँ पे कि केवल तमिल बोली जाती है। तो ये लैंग्वेज का बैरियर कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, आप थोड़े ही दिन में कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली उठा सकते हो इसको, तो आप बिल्कुल ही इस बात का तो बिल्कुल टेंशन लो ही मत। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।